प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया था ओपन सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशनल फॉर्म्स, है ना, इथेन में, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, इथिलीन ग्लाइकोल में, डाइक्लोरोइथेन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अलग अलग फॉर्म्स हम लोगों ने देखा था, बहुत आराम से समझा था, उन सब चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी, है ना। अब है अपना साइक्लिक सिस्टम में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। वहाँ तो रोटेशन चलता था, है ना, सिंगल बॉन्ड था। साइक्लिक सिस्टम में तो सर रोटेशन अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ रोटेशन की जगह होता है फ्लिपिंग। क्या होता है? फ्लिपिंग, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्लियर है, समझ मारी बात? क्या होता है फ्लिपिंग, दिखाएंगे हम आपको फ्लिपिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखो, शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो अल्केन सिस्टम। क्लियर? चलिए, साइक्लो अल्केन की बात की जाए तो अपने पास अलग अलग टाइप का साइक्लो अल्केन है, लाइक साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लो ब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, एक्सेट्रा। ये सब अपना साइक्लिक सिस्टम है। तो देखो, अगर अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लिक सिस्टम, तो बोलेंगे अपने पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, है ना, ऐसे ही साइक्लोहेप्टेन, ऑक्टेन सब है। अब आराम से समझना, अगर मैंने ये सब साइक्लिक सिस्टम लगाया तो आप क्या बोलोगे? इनफैक्ट कि हर साइक्लिक सिस्टम में एक बॉन्ड एंगल होगा, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है दैट इज 60 डिग्री, है ना। तो यहां पे दो बात हम लोग कह रहे हैं, एक कह रहे क्या कि थीटा थीटा अलाउड कितना एंगल मिला, बॉन्ड एंगल मिला, और दूसरी बात कर रहे हैं थीटा रिक्वायर्ड कितना एंगल उसको चाहिए, ठीक। और इन दोनों के डिफरेंस की वजह से आएगा एंगल स्ट्रेन। क्या आएगा? एंगल स्ट्रेन, है ना। तो देखते हैं हम लोग, यह है आपका साइक्लोप्रोपेन, यहां पे अलाउड एंगल कितना है, तो बोलेंगे ऑब्वियसली ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो बोलेंगे यहां 60 डिग्री अलाउड है, इतना अवेलेबल है, या यूं कह सकते हो आप अवेलेबल थीटा। साइक्लोब्यूटेन है तो ये स्क्वायर टाइप का, तो बोलेंगे यहां क्या है, तो बोलेंगे 90 डिग्री अलाउड एंगल है। साइक्लोपेंटेन, तब यहां जब एंगल निकालेंगे आप तो ये आता है 108 डिग्री, कितना आता है, 108 डिग्री, है कि नहीं। और यहां जब तुम निकालोगे तब कितना आएगा, मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आएगा 120 डिग्री, कितना आएगा, 120 डिग्री, नो डाउट। हेक्सागन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। क्लियर है? बट अपना ये परफेक्ट हेक्सागन तो होता नहीं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन दूसरे कन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स में जाने लगता है, क्लियर। तो इनफैक्ट वो चेयर के फॉर्म में मोस्टली एग्जिस्ट करता है, जहां उसका बॉन्ड एंगल हो जाता है 109 डिग्री। ये 120 डिग्री ना हो करके 109 डिग्री होता है साइक्लोहेक्सेन में, देखेंगे कैसे। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, इतनी बात तो पहले समझो कि अलग अलग साइक्लिक सिस्टम में अलाउड एंगल कितना है, ठीक। अब अगली बात करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड बॉन्ड एंगल कितना है, ठीक। तो जो भी कार्बन है, आपने नाम ही दिया साइक्लो अल्केन, अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। और sp3 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है sp3 का, टेट्राहेड्रल, ये बाहर और ये अंदर, यही ना। सो बॉन्ड एंगल, हर एक बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, होना चाहिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या बोलेंगे, यहां पे क्या बोल रहे हैं, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना। तो यहां जो रिक्वायरमेंट है बॉन्ड एंगल की सब में, दैट इज 109 डिग्री, yes, 28 मिनट। चलो मैं 28 मिनट को एग्जैक्टली तो वैल्यू ये होता, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली मान लेता हूं 109.5 डिग्री बोल सकता हूं, 30 मिनट का एक डिग्री होता, तो लगभग 28 मिनट को मैंने बोला 0.5, तो 109.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। ये भी लगभग कितना, 109.5 डिग्री, इसमें भी कितना चाहिए, 109.5 डिग्री, और इसमें भी कितना रिक्वायरमेंट है, 109.5 डिग्री का रिक्वायरमेंट है, क्लियर।
ठीक, बट मिल कितना रहा है, तब बोलेंगे क्या यहां कितना मिल रहा है 60 डिग्री है ना, तो बोलेंगे स्ट्रेन हो गया। क्या स्ट्रेन हो गया, जैसे आपको बोला जाए नॉर्मल कंडीशन में आपका कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल अलग है, जबरदस्ती बिठा दे, जैसे जैसे क्लास में मुर्गा बना देते हैं ना, कुर्सी बना देते हैं, हम लोग के जमाने में टीचर क्या बोलते थे, मुर्गा बन जा, कोई बात नहीं साहब बन गया मुर्गा, पनिशमेंट मिलता था है ना, कुर्सी बन जा, तो कुर्सी में और खतरनाक मामला हो जाता था, तो एक स्ट्रेन सा खिंचाव सा आने लगता था मसल्स में, तो बड़ा पेन होता था, तो फिर आगे चल करके बदमाशी नहीं करते थे, ये पनिशमेंट था अपना। तो मुर्गा बनना पसंद है क्या किसी को, बोले कि ना, क्यों क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए स्टेबल नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती बना दिया गया, तो बन तो गए बट परेशान होकर के उठे, है कि नहीं। तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है उसकी वजह से। उसी तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या हो जाता है, स्ट्रेन। कैसे स्ट्रेन आ जाएगा, जब उसको अवेलेबल एंगल नहीं मिलेगा तब तुम क्या बोलोगे, स्ट्रेन आ जाएगा। क्लियर। तो सेम कहानी यहां है कि अवेलेबल तो 109 डिग्री था, 109.5 डिग्री, और मिला सिर्फ 60 डिग्री, तो कितना एंगल कम मिला, तो बोलेंगे 49.5, क्या बोलेंगे 49.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है, इतना कम मिला उसको। सोच के देखो कितनी तबाही हो गई उस साइक्लोप्रोपेन के लिए, और यही रीजन है कि साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल सिस्टम होता है। जब हम लोग रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे कि साइक्लोप्रोपेन सिस्टम इज हाईली अनस्टेबल। क्लियर। इसलिए वहां डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश कभी हम लोग भूल के भी नहीं करते, ठीक है। कहीं कहीं रेयर बना दिया वो अलग बात है, बट सोच के देखो जैसे ही तुम डबल बॉन्ड बनाओगे, तो अभी तो कितना था, अभी तो कितना रिक्वायरमेंट था 109 डिग्री 28 मिनट का, sp2 होते ही इस कार्बन का रिक्वायर्ड एंगल क्या हो गया, 120। कितना हो गया, 120। सोच के देख, तो 49 डिग्री पे तो वो परेशान था बेचारा, और अब 120 चाहिए, मिला 60 है, तो अब स्ट्रेन तो 60 डिग्री का, तो यहां तो पूरी तबाही मच जाएगी। इसलिए इस सिस्टम में डबल बॉन्ड का लगभग क्या बोलते हैं कि पॉसिबिलिटी लगभग नहीं बोलते हैं। क्लियर, ठीक। खुद ही वो अपने आप में साइक्लोप्रोपेन सिस्टम में ही वो क्या था, हाईली अनस्टेबल। तो अगर साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे तो बोलेंगे हाईली अनस्टेबल। क्लियर है, एंगल स्ट्रेन की वजह से। डन। यहां बोलेंगे, यहां भी बोलेंगे रिक्वायरमेंट 109.5 डिग्री और मिला 90, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, तो 19.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन इस मॉलिक्यूल में भी है। तो बोलेंगे अगर साइक्लिक सिस्टम की बात की जाए तो बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन दोनों का दोनों क्या होता है, हाईली अनस्टेबल सिस्टम। क्यों होता, बिकॉज वहां रिक्वायरमेंट जितना था उससे अवेलेबल बॉन्ड एंगल बहुत कम मिला है। डन। सेम बात करें क्या साइक्लोपेंटेन सिस्टम की, अगर बात की जाए तो यहां रिक्वायरमेंट 109 डिग्री 8 मिनट की, सॉरी पॉइंट पॉइंट सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट की, मतलब 109.5 डिग्री, और मिला 108 डिग्री, तो लगभग बोलेंगे मिल गया है ना, कितने का, तो बोलेंगे 1.5 डिग्री का, 1 डिग्री 28 मिनट का स्ट्रेन है, थोड़ा बहुत स्ट्रेन यहां है। साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे तब बोलेंगे यहां स्ट्रेन कितने का, तब क्या बोलेंगे ओनली 28 मिनट का, ठीक, या यूं बोल दो 0.5 डिग्री का ही स्ट्रेन है। इसलिए जब भी आपसे बोला जाए स्टेबिलिटी के बारे में तो क्या बोलोगे, पूरे साइक्लिक सिस्टम में सबसे ज्यादा स्टेबल कोई सिस्टम होता है तो वो कौन है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन ऑलवेज। क्लियर, ठीक। ये क्यों 109 डिग्री पहुंच गया, कैसे, तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि जो आप देख रहे हो ना फ्लैट बनाते, तो फ्लैट बना करके ही काम करते हैं 2D में, है ना, लेकिन एक्चुअल इसका प्रेजेंटेशन होता है चेयर के फॉर्म में, और वहां तुम चेयर में देखोगे ये पूरा 109 डिग्री कैसे पूरा करेगा, और वहां टेट्राहेड्रा के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये चेयर, ठीक। आएंगे इस मुद्दे पे, आएंगे तब इसके पूरा संपूर्ण बात होगी, पूरा एकदम खोद के बात करेंगे इसके अंदर, पूरा दिखाएंगे कैसे चेयर होता है, क्या होता नहीं होता। खैर, इतनी बात पहले मुद्दे में इतनी बात आई कि ये सब इन सब मॉलिक्यूल के अंदर एंगल स्ट्रेन, कहाँ एंगल स्ट्रेन कम है बोलेंगे यहाँ, उसके बाद कहाँ कम है बोलेंगे यहाँ, उसके बाद कहाँ कम है बोलेंगे यहाँ, उसके बाद कहाँ कम है, तो कम है ही नहीं इन सब में, इन दोनों में तो ज़्यादा है। अगर बोले पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो क्या बोलोगे आप, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अमंग साइक्लिक सिस्टम, देन व्हाट विल बी से, क्या ऑर्डर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा साइक्लोप्रोपेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, ये ना। क्लियर, कोई दिक्कत। और स्टेबिलिटी की बात कर दें तब बोलेंगे इसी का उल्टा ऑर्डर है कि नहीं, तब बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, और उसके बाद साइक्लोप्रोपेन। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग साइक्लिक सिस्टम्स। डन।
कोई तकलीफ? चलिए अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं अपना काम, कंफर्मेशंस इन साइक्लो अल्केन सिस्टम। तो सबसे पहला लिखिएगा साइक्लोप्रोपेन, सबसे पहला साइक्लोप्रोपेन में हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कंफर्मेशन की। लिखिए कंफर्मेशंस इन साइक्लोप्रोपेन। सो साइक्लोप्रोपेन की बात की जाए, पहला साइक्लोप्रोपेन है ना, तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हम लोग क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे ऐसा सिंपली, ये तो है ना। अब क्या बोलोगे? यहां एक बॉन्ड बाहर की तरफ है ना, और एक बॉन्ड अंदर की तरफ, यहां भी एक बॉन्ड बाहर की तरफ है ना, और अगला बॉन्ड कहां? अंदर की तरफ। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, बोले सर नो। यहां बात करें तो फिर क्या बात करेंगे? अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, डन। तो बोलेंगे यहां भी हाइड्रोजन है। अब सोच के देखो, अगर हमने इसमें कंफर्मेशन की बात की, इसका मतलब देयर विल बी मूवमेंट, बॉन्ड में मूवमेंट होने लगेगा। अगर मूवमेंट हुआ इस सिस्टम में तो बोलेंगे दिस सिस्टम इज हाईली अनस्टेबल, दिस सिस्टम इज हाईली अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? अभी हम लोगों ने बात की, ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन। क्लियर? अगर हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से सिस्टम हाईली अनस्टेबल है तो क्या यह मूवमेंट ऑफ बॉन्ड को झेल पाएगा? क्या झेल पाएगा? देयरफॉर इट कैन नॉट बियर क्या? मूवमेंट ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर आपने मूव करा तो ये टूट जाएगा। क्लियर? जैसे आपने मूव करा तो क्या हो जाएगा? ये घुमाने की कोशिश की जरा सा भी तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही बात? देयरफॉर नो फ्लिपिंग, और जब कोई फ्लिपिंग नहीं है किसमें? साइक्लोप्रोपेन में। देयरफॉर नो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन, बोलो, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? तो साइक्लोप्रोपेन जैसा है ऐसा ही बना रहता है बेचारा मजबूरी की कंडीशन में। क्लियर? कोई फ्लिपिंग नहीं होती। अब आराम से देखो, अगर मैं आपसे कहूं, चाहे इन दोनों बॉन्ड के बीच में देख लो, अगर मैं आपसे कहूं आप देखो कहीं से, लेट्स से आप इन दोनों बॉन्ड के बीच में देखो, तो आप क्या बोलोगे? आप यहां से देख रहे, तो अगर आप यहां से देख रहे तो क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? क्या इसके जस्ट पीछे, इसके जस्ट आगे आपको यह नजर आएगा? आप अगर यहां से देख रहे तो वो भी इन साइड और ये भी इन साइड, तो तुम्हें क्या दिखेगा? तो क्या दिखेगा बोलोगे? उस वाले कार्बन पे ऐसा है और इस वाले कार्बन पे ऐसा है, तो जहां से तुम जब देखोगे तो क्या बोलोगे? कि बिल्कुल इसके जस्ट पैरेलल वो बॉन्ड है। यस सर नो? क्लियर? तो इसको ये ढक देगा। क्लियर? और उसी तरीके से इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन एग्जैक्टली ढक देगा, बोलो। क्लियर? तो यहां से देखने पे ये वाला इससे ढक गया, ऐसा ऐसा बिल्कुल सेम। क्या बोलेंगे? अगर बाहर की बात करें तो ये है, और यहां बाहर की बात करें तो बोलेंगे ये है, और यहां से हम देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इसके जस्ट पीछे ये वाला है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे? कि जब ये दोनों इससे ढक गए तो बोलो इसको इक्लिप्स बोलोगे कि स्टैगर्ड बोलोगे? ये क्या है? इक्लिप्स्ड। समझ में आ रही बात? क्लियर? अब ये इक्लिप्स अपनी मर्जी से है क्या? नहीं, फोर्स्ड है।
जरा सा दाएं बाएं हुआ तो टूट ही जाएगा, और टूट जाएगा तो सिस्टम ही ब्रेक कर जाएगा, और सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा तो फिर क्या बात करेंगे। क्लियर? तो लिखते हैं साइक्लोप्रोपेन रिमेन्स इन फोर्स्ड इक्लिप्स्ड कंडीशन, फोर्स्ड इक्लिप्स्ड कंडीशन। क्लियर है? फोर्स्ड इक्लिप्स्ड कंडीशन, कोई यहां पे फ्लिपिंग की बात नहीं होती, कोई आइसोमेरिज्म की बात नहीं होती, किसमें? साइक्लोप्रोपेन सिस्टम में। अब अगला सिस्टम देखो जरा, साइक्लोब्यूटेन। अगला लिखिए साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट इज साइक्लो ब्यूटेन। अब बोल रहे हैं साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा। क्लियर? नो डाउट यहां भी एंगल स्ट्रेन है, बट एंगल स्ट्रेन कितना है? थोड़ा कम है कि नहीं? वहां था 49 डिग्री, लगभग 50 डिग्री, और यहां है 20 डिग्री, तो ये झेल लेता है किसको? अब इसके मूवमेंट को, ये उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, इसलिए ये फ्लिपिंग शो करता है। लिखो, ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन, ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोब्यूटेन इट अंडरगोज फ्लिपिंग प्रोसेस। क्लियर है? टू शो डिफरेंट फॉर्म्स। अब क्या होता है वो देखो। अब क्या बोल रहे कि ये फ्लिपिंग कैसी होगी वो देखना ध्यान से। अगर मैंने बोला क्या किस, हाँ, डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट कन्फर्मेशनल फॉर्म्स, ठीक, एंड एग्जिस्ट इन, ऐसा लिख देना, एंड एग्जिस्ट इन पकर्ड स्ट्रक्चर, PUCKERED, एग्जिस्ट इन पकर्ड स्ट्रक्चर या पकर्ड फॉर्म। क्लियर? अब देखो, इन दोनों को फिक्स करके अगर आपने इस एटम के अबाउट मूवमेंट स्टार्ट किया, ऐसे अंदर की तरफ धकेला, ठीक, तो क्या स्ट्रक्चर आएगा वो देखना। ये वाला दोनों तो सेम अपनी जगह पे, ये वाला भी अपनी जगह पे, तो हो क्या रहा है? तो क्या बोलेंगे, ऊपर का स्ट्रक्चर तो ऐसा, ठीक, और यही तो गया अंदर, तो ये अंदर जाकर के बन जाएगा ऐसा। क्लियर? इसी को बोल रहे पकर्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक। अब यहां बात कर लो, मान लो हम कह रहे कि साहब इस वाले कार्बन के अबाउट मूवमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, सेम कहानी बनेगी। अब क्या बोलोगे, अब ये मूव करके आएगा नीचे, तो अब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो बोलेंगे ऐसा, ये दोनों तो अपनी जगह है, 1, 2, 3 अपनी जगह है, और ये आया नीचे ऐसे, तो ये दूसरा पकर्ड फॉर्म बना, इसको भी बोल रहे हैं पकर्ड फॉर्म। क्लियर? अब सोच के देख, जैसे ही ये नीचे आएगा तो नो डाउट एंगल तो और घट जाएगा, सोचा गिर जाएगा वो, अभी एंगल कितना है 90 डिग्री, और जब आएगा तो अब यहां जो थीटा होगा, ऑब्वियसली दिस थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। नो डाउट बॉन्ड एंगल और घटता है, इसका मतलब सर और अनस्टेबिलिटी आ जाती है। क्लियर? नो डाउट अनस्टेबिलिटी आती है, लेकिन याद कर ओपन सिस्टम में भी तो इक्लिप्स में अनस्टेबिलिटी आई थी, तो क्या फ्लिपिंग, क्या वहां पर रोटेशन नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। क्यों हुआ था? टू ब्रेक डाउन द स्टैटिक सिचुएशन। क्लियर है? जो हम लोग बोल रहे थे स्टैटिक स्ट्रेन आता मॉलिक्यूल में, उसको ब्रेक करने के लिए यह काम होता है। नो डाउट ऐसा करने की वजह से एंगल स्ट्रेन थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उसको झेल लेता है, और यह फोर्स्ड इक्लिप्स्ड कंडीशन में नहीं रहता। क्लियर है? इससे जो स्टैटिक स्ट्रेन होने वाला था उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है।
ठीक। तो साइक्लोब्यूटेन का ये दो स्ट्रक्चर बताया जाता है दोनों पकड़ फॉर्म में। डन, चलिए अगला लिखो साइक्लोपेंटेन। ये सब बिल्कुल छोटे छोटे हैं, असल हमें डिस्कशन करना है सिर्फ साइक्लोहेक्सेन का, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सब कभी ना पूछा गया, शायद पूछा भी नहीं जाएगा। अगला दैट इज साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन की बात करेंगे तब बोलेंगे वहां तो एंगल स्ट्रेन और ही कम हो गया है कि नहीं, वहां तो एंगल स्ट्रेन और ही कम हो गया। ठीक, क्लियर। तो अब यहां भी फ्लिपिंग तो करेगा ही करेगा, है ना। तो लिखो साइक्लोप्रोपेन आल्सो अंडरगो फ्लिपिंग। साइक्लोपेंटेन आल्सो अंडरगो फ्लिपिंग। क्लियर। टू रिलीज द स्टैटिक स्ट्रेन इन दिस केस द फ्लिपिंग इज नोन एज इनवेलप फ्लिपिंग। इट इज नोन एज इनवेलप फ्लिपिंग। क्या इनवेलप फ्लिपिंग, वो देखना आराम से। क्या बोला जा रहा है, इन दोनों के अबाउट एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसा, क्लियर, और इसको खींच के ले आओ इधर, तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक इनवेलप सही दिखेगा। Yes, देखो इसका दूसरा फॉर्म क्या बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है। ये तो रहा अपनी जगह, ये रहा यहां, ये रहा यहां, और यही वाला बॉन्ड तो इधर आया है, क्लियर। Yes, यही तो अंदर आया, ये आया यहां और ये ऐसे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनवेलप। यहां से इसको ऐसा 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 फीलिंग अगर हुआ तुम्हें ऐसा, ये तो इनवेलप। और बढ़िया कब दिखेगा तुम्हें, जब ऐसा वाला बनाओ ऐसा, है ना, क्लियर। तो अभी ये इनवेलप खुला हुआ है ना, और जब फ्लिप करेगा तो अब क्या बोलोगे तुम, ये तो सिस्टम है ऐसा, है ना, इसके अबाउट ही तो आया है, अब ये इनवेलप अंदर, अब लग रहा है बिल्कुल इनवेलप है, क्लियर। तो इसको क्या नाम देते हैं, इनवेलप फ्लिपिंग, क्लियर, कोई दिक्कत। तो साइक्लोपेंटेन भी क्या करता है, फ्लिपिंग करता है, और उसका नाम देते हैं इनवेलप फ्लिपिंग। डन, ठीक। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। लिखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन, दैट इज योर मेन टॉपिक ऑफ द डे। आज का असली मुद्दा अपना जो है दैट इज साइक्लोहेक्सेन। इस पे खूब सवाल पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे नीट में, आईआईटी में, सब में पूछे जा सकते हैं। लिखो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। लिखे साइक्लोहेक्सेन अंडरगो फ्लिपिंग प्रोसेस एंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स। साइक्लोहेक्सेन अंडरगो फ्लिपिंग प्रोसेस एंड एग्जिस्ट इन डिफरेंट कन्फॉर्मेशनल फॉर्म्स, क्लियर, विच आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोस। देखो साइक्लोहेक्सेन बनाने का सबसे पहली बात, मैंने क्या बोला था, अभी तक साइक्लोहेक्सेन हम लोग कैसे बना रहे थे, ऐसे, है ना, अभी तक तो बना रहे थे ऐसा प्लानर। अब आराम समझो, मान लो ये प्लेन ही है, ये क्या है, प्लेन ही है, ठीक। अब ध्यान से देख, ये तो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के अबाउट क्या होगा, तो क्या बोलोगे तुम, एक जो हेड है, एक हेड उसको उठा दो, क्लियर है, इसको बाहर की तरफ ले आओ, और ये वाला जो कॉर्नर है इसको अंदर की तरफ धसा दो, इसको ले आओ बाहर और इसको ले जाओ अंदर, क्लियर। तब जो फॉर्म बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, चेयर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेयर। अभी दिखाएंगे हम लोग चेयर कैसे बनता है, ठीक। तो अब चेयर बनाने का जो तरीका है वो देख, सबसे सिंपल क्या, दो स्लैंटिंग लाइन ऐसे खींचो, बन गया, क्लियर। yes,
अब यहां से ऐसा एक लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसा एक लाइन खींच दिया, डन। अब थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींचा, है ना, और इसको ऐसे मिला दिया, मिल गया, डन। अगला ऐसे खींचा, ऐसे मिला दिया, ये हो गया क्या, चेयर फॉर्म। ऐसा सिंपल ऐसा समझ, ये दोनों स्लेंटिंग लाइन, ठीक, एक लाइन ऐसे खींचेंगे यहां से, इसी के पैरेलल ऐसे खींचना, यहां से हो गया क्या, एक लाइन इसको मिला यहां से, इसको मिला दे यहां से, हो गया चेयर, ये तो चेयर है, क्लियर, दिस इज आवर चेयर फॉर्म, ठीक। अब इस चेयर से कहानी की शुरुआत होती है और अगले चेयर तक ये सिस्टम जाएगा, कैसे जाएगा वो देखना। हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो कॉर्नर है, यही कॉर्नर उठ के आएगा कहां, नीचे, कहां आएगा, ये आएगा उठ के नीचे, और ये वाला कॉर्नर फाइनली उठ के कहां जाएगा, ऊपर, ऐसे, कोई दिक्कत, क्लियर। तो मान लो पहले हम इसका काम करेंगे और बाद में इसका काम करेंगे, मतलब पहले हम इसको उठा करके ऊपर ले जाएंगे और फिर इसको धसा करके नीचे लाएंगे, ठीक। तो पहले स्टेप में क्या होता है वो देख, पहले स्टेप में सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जब यहां से उठेगा, क्लियर, ये जब उठेगा अभी कैसा है, नीचे, जब उठेगा तो प्लेन में आ जाएगा, तो जब प्लेन में आ जाएगा तो बनेगा ऐसा लेफ्ट साइड में, क्लियर, और यहां वाला बॉन्ड से मिल जाएगा इससे, तब क्या बोलोगे तुम, ऐसा सिस्टम, और यहां से ये सीधा हो जाएगा तो बोलोगे ऐसा सिस्टम, ये तो है, डन। और अब ये दोनों मिलकर के, ये राइट वाला तो अभी भी ऊपर ही है, राइट वाला तो अभी भी ऊपर है, क्लियर, कोई दिक्कत। इसको क्या बोला हम लोगों ने, चेयर, इसको क्या नाम दिया, चेयर, इसको बोलते हैं हाफ चेयर, क्या बोलते हैं, हाफ चेयर, आराम कुर्सी, है ना, बीच पे देखोगे ना ऐसा लगा होता है, तो क्या ये हाफ चेयर, डन। फिर आगे बोल रहे हैं क्या, फिर जब ये आगे बढ़ा तो यही नीचे से ही तो ऊपर जा रहा, नीचे से जा रहा ऊपर, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसा कॉर्नर उठेगा, क्लियर, और राइट वाला कॉर्नर तो है ही, है ना। अब यहां से इसको मिला दो ऐसा, एन बना दो, ठीक, और ये इधर से ऐसे ऊपर से, ये नीचे से और ये, या ये वाला सॉलिड लाइन ऊपर से और ये वाला लाइन नीचे से है, क्लियर। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोट, क्या नाम देते हैं, ट्विस्टेड बोट, क्लियर, ठीक। अगला, फिर जब ये फ्लिप करेगा तो अगले फ्लिपिंग के बाद अब ये बनाएगा बोट, क्या बनाएगा, आराम से, अब ये उठ ही रहा है, क्लियर। तो जब ये पूरा परफेक्टली उठ जाएगा, अभी तो बिल्कुल नीचे था, नीचे से उठ के प्लेन में आया, प्लेन से जरा सा उठा तो ट्विस्टेड बोट बना, जब ये पूरा उठ जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड कैसा होगा, ऐसा, और राइट साइड भी कैसा है, तो बोलेंगे ऐसा ही, ये है ना, क्लियर, ये तो राइट साइड, तो राइट साइड से ही नीचे लाएंगे ऐसे, और लेफ्ट साइड से भी ला देंगे नीचे ऐसे, क्लियर। तो ये बन गया बोट, अभी क्या बन गया, बोट, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग क्या, बोट, क्लियर, ठीक, डन। तो अभी तक किसका काम हुआ, लेफ्ट साइड वाले का, किसका काम हुआ, ये वाला नीचे वाला कोना का, ये नीचे वाला कोना अब पूरा का पूरा ऊपर चला गया, और राइट साइड वाला कोना तो वहीं पड़ा हुआ, अभी तक उसका कुछ अभी भी नहीं हुआ। अब यहां से कहानी चालू होगी इसकी, तो क्या बोलोगे, अब ये स्टार्ट करेगा फ्लिपिंग, है ना, तो अब यही तो जाएगा नीचे, क्लियर। तो जब नीचे जाएगा तो तुम सोच के देखो, यहां से क्या बना था, इससे जस्ट पहले क्या बना था, ट्विस्टेड बोट, तो फिर से बनेगा ट्विस्टेड बोट, फिर से बन जाएगा ट्विस्टेड बोट। अब कौन था नीचे, ये वाला, मतलब पीछे वाला, ये तो था, अब क्या बोलोगे तुम, अब इधर से पीछे आएगा, है ना, और ये वाला बॉन्ड फ्रंट पे ऐसे मोड़ दिया आपने, तो एक पीछे जा रहा है, एक इधर से पीछे जा रहा है, क्लियर। इसको भी नाम क्या दे रहे, दिस इज अगेन ट्विस्टेड बोट, क्लियर, ठीक। फिर अगली फ्लिपिंग हुई तो फिर इस ट्विस्टेड बोट के बाद अब वापस कहां आएगा, हाफ चेयर में। तो अभी तक हाफ चेयर तो लेफ्ट साइड पे फ्लैट था और राइट साइड पे उठा हुआ था, अब क्या हो रहा है, अब लेफ्ट साइड वाला तो उठ गया,
अब राइट वाले तो नीचे जा रहा है, तो राइट साइड पे बनाएंगे फ्लैट ऐसा, और इसको मिला देंगे यहां से ऐसे, कोई दिक्कत? और ये वाला ऐसा, और ये तो उठा हुआ है, तो ये गया ऊपर और यहां से मिला दिया इसको ऐसे, डन, ठीक, क्लियर। उल्टा हाफ चेयर बन गया, ये हाफ चेयर, ये तो है, कोई तकलीफ? ये बन गया। इनफैक्ट ये दोनों को आमने सामने रख दोगे, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाएगा। ओके, अगला फाइनली क्या होना है, फाइनली अब क्या होना है, इसी को तो नीचे और जाना है। जब ये नीचे जाएगा तब क्या बनेगा? अभी स्लेंटिंग लाइन ऐसे बनाए थे, ऐसे है ना, अभी स्लेंटिंग लाइन बनेगा ऐसे, तो अब बनाओ स्लेंटिंग लाइन ऐसे, बन गया। तो अब यहां से एक लाइन खींचो ऐसे ऊपर, डन, है ना, और यहां से ऐसे नीचे, खत्म, बन गया अगला चेयर, ठीक। अब सोच के देख क्या हुआ है, तो तुम बोलोगे यही तो था कॉर्नर, और यही तो है कॉर्नर, बोलो कोई दिक्कत? अब अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तुमसे, लेट दिस इज नंबर वन, क्लॉकवाइज ही घूम जाते हैं, तो ये तो टू है, ये तो तीन है, ये तो चार है, और ये तो पांच है, और ये छह है। एटम्स अगर हम देखना चाहें कहां कहां एटम है कि नहीं, क्लियर। अब इसकी बात कर लो तो तुम क्या बोलोगे, ये तो नीचे आया है, ये तो नीचे आया, तो ये तो वन है, और वन बोल दिया तो हम क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, इधर से गए तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये तो टू है, बोलो, और ये थ्री है, और ये क्या है फोर है, और ये वाला क्या है फाइव है, और ये वाला क्या है सिक्स है, बोल बेटा, ये सर नो, क्लियर। तो एक चेयर से दूसरे चेयर में हम लोग घूम के आ गए वापस, क्लियर, ठीक। और इन बिटवीन ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स बनने लगे, क्लियर। तो यही घूमना, क्या बोल रहे हैं, घूमना तो नहीं, इनफैक्ट फ्लिप करना, क्या है फ्लिपिंग इनफैक्ट। तो आप क्या बोल रहे हो, इस बॉन्ड का नीचे आना, इस बॉन्ड का ऊपर जाना, क्लियर। ये तो चल रहा है, इसका नीचे आना, इसका ऊपर जाना, और फिर यहां से क्या बोलोगे, इसका ऊपर जाना और इसका नीचे आना, इज कॉल्ड फ्लिपिंग, क्लियर। एक कॉर्नर का नीचे से ऊपर जाना, दूसरे कॉर्नर का ऊपर से नीचे आना, फिर इस कॉर्नर का नीचे से ऊपर जाना, उस कॉर्नर का ऊपर का नीचे आना, इज कॉल्ड फ्लिपिंग। और इस एक चेयर से दूसरे, ये दोनों एक्सट्रीम पोजिशन पे बना, क्लियर। तो दोनों ही क्या है, चेयर, एक सीधा चेयर एक उल्टा चेयर, इन बिटवीन ये सारे पोजिशन बने, क्लियर, ठीक। अब इन सब में असल में जो अपना है वो है चेयर, वो है मोस्ट स्टेबल। कैसे स्टेबल है दिखाएंगे, पहले तो एंगल दिखाएंगे कि 109 डिग्री पक्का कैसे बन रहा है, और दूसरा फिर दिखाएंगे क्या न्यूमैन प्रोजेक्शन बना करके उसका, कि कैसे वो गॉश पोजीशन, सॉरी एंटी पोजीशन पे है, स्टैगर्ड पोजीशन इनफैक्ट, और स्टैगर्ड होने की वजह से वो कैसे स्टेबल है। ये सारी बातें करेंगे विद मॉडलर एक्सप्लेनेशन, मॉडल के साथ भी हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे बन रहा है, ठीक। चलो मैं अभी दो मिनट का सारा पॉज लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये है अपना अपना चेयर, पहले हम अपना चेयर सीधा टेढ़ा कर लेते हैं, क्या है, यहां से हम लोगों ने शुरू किया था, है ना। तो तुम्हारे साइड से राइट वाला का कॉर्नर कहां था, ऊपर, ये मैंने कॉर्नर के लिए दिखाया आपको ब्लैक ब्लैक, तो ये है जो तुम्हें दिख रहा चेयर, वो ऐसा दिख रहा शायद, है ना भाई, ये दिख रहा कि इसका कॉर्नर कहां है, ऊपर, और इसका कॉर्नर कहां है, नीचे। तो हम लोगों ने जो अपना काम स्टार्ट किया वो क्या स्टार्ट किया, इस वाले कॉर्नर को झुका रहे और इस वाले कॉर्नर को उठा रहे। हमने आपको तरीका भी बताया कि पहले इसका काम कर रहे, आप चाहते तो आप ये वाला काम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हमने पहला काम ये वाला किया, इसको उठा रहे, क्लियर, और इसको रहने दिया अपने फिक्स पोजीशन पे, और उस पोजीशन के बाद, बोट के बाद, अब हमने क्या किया, इसको गिराना नीचे शुरू किया, ये काम किया ना यहां पे, ठीक, उसी सीक्वेंस में मैं अपना काम कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना तब तुम्हें ट्विस्टेड नजर आएगा, वरना ट्विस्टेड दिखता ही नहीं है बेटा लाइफ में। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का, ठीक, कि 10 साल हो गए MSc किए हुए, समझ रहे हैं, 8-10 साल हो गए, मैंने लाइफ में कभी भी रियल में ट्विस्टेड बोट नहीं देखा, फर्स्ट टाइम इन माई एक्सपीरियंस, टीचिंग में भी और जब पढ़ा तब भी। तो तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, तुम जहाँ भी देखोगे YouTube पर डालो, तुम्हें सिर्फ क्या दिखेगा, वो जो एनिमेशन से बनाते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल देसी अंदाज में ला रहा हूँ बेटा, तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, एकदम बहुत सुकून से देखना, हर एक चीज़ को महसूस करना क्या हो रहा है, ठीक। फिर हम एक्सियल इक्विटोरियल भी दिखाएंगे, पहले तुम इसको समझो, क्लियर। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से, ये है चेयर अपना, ये ऊपर और ये नीचे। पहले देख क्या ये इतना पार्ट तुम्हें क्लियरली विजुलाइज हो रहा है कि ये चेयर है, ऐसे ये है तुम्हारी तरफ से चेयर, ऐसा है ये रहा, जहां तुम्हारा सर आएगा
और यहाँ तुम्हारा पैर आएगा जब तुम बैठोगे और यहाँ सुकून से बैठोगे। क्लियर है? ये तो चेयर है ना, क्लियर। चलो ये रहा चेयर अपना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या यही सिर्फ चेयर का कॉन्फ़िगरेशन है ना? अब देख ध्यान से, ध्यान से देख, ये वाला गुल्ला ऊपर और ये वाला गुल्ला नीचे, क्या मैं इसको चेयर बोल दूँ? जो काम इन दोनों का था वही इन दोनों का काम हो गया, ये ऊपर और ये नीचे, यहाँ पैर और यहाँ तेरा सर, हो गया ना चेयर? अरे बोल, इन दोनों के बीच में हुआ। अब अगला बोल रहे, क्या इन दोनों के बीच में भी ऐसा है सर? करके देख लो, करके देख लो, ये मैंने ऊपर उठा दिया ऊपर और ये आ गया नीचे, देख। इसका मतलब क्या? सब एक दूसरे में बेटा, चेयर की माया है। पक्का? क्लियर? इतना चेयर समझ में आया कि सबको, सबको हम बोल सकते हैं कि कोई भी कॉर्नर ऊपर, कोई भी कॉर्नर नीचे। चलो अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक तो ब्लैक चुन लिया। ना ना फोकस, ना फोकस, क्या बोला? कि ये वाला उठा था ऊपर और ये वाला गिरा था नीचे, ठीक। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ये उठाने वाला काम पहले कर रहे हैं, ठीक। तो देख ध्यान से, ध्यान से देखना, ये तो ऊपर है, जैसे ही ये उठने लगेगा, उठने लगेगा, तो ये वाला, ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड एक प्लेन में है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड एक प्लेन में और ये वाला बॉन्ड जस्ट नीचे। तो जब ये उठेगा, ये उठेगा तो इकट्ठे ये सब पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म सब एक प्लेन में आ जाएगा, जैसा यहां दिखाया मैंने आपको, बिल्कुल वैसा दिखना चाहिए, सेट, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे हमने इसको उठाया, तो अब जरा देखो ध्यान से, ये उठा ऐसा, ऐसा, क्लियर है? देखो मैं हर एंगल से तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या ये तुम्हें एक प्लेन में दिख रहे हैं? सब दिख रहे हैं ऐसा, ये तो प्लेन है, क्लियर। ये तो प्लेन देगा आराम से, ये वाला पांचों बॉल एक प्लेन में दिखा रहे, दिख गया, क्लियर। तो अभी क्या किए? अभी कहां पहुंचे तुम? हाफ चेयर पे, देखो ध्यान से, वहां कहां पहुंचे? हाफ चेयर पे। अब यही जब आगे उठेगा, अब जब एक बार और ये उठेगा, तब बनेगा ट्विस्टेड। अब देखना ध्यान से, अब ये और उठा, जब देख, देख जैसे ये उठ रहा है, जैसे जैसे ये उठ रहा है, अब क्या हो रहा है? ये वाला बॉन्ड इधर भाग रहा नीचे और ये वाला बॉन्ड भाग रहा ऊपर और ये दोनों तो अपने परफेक्ट पे है और यहीं से आएगा ट्विस्टिंग। देखना आराम से, आराम से देखना, क्या दिख रहा है? विजिबिलिटी है ऐसा, ये देख, ये बन रहा ट्विस्टेड बोट। अगर ये परफेक्ट बोट होता तो ये दोनों बिल्कुल सामने आते, देख ये वाला गुल्ला, अगर अगर ये वाला गुल्ला एकदम परफेक्ट आता तब बनता क्या? बोट। अभी क्या बन रहा है? अभी क्या बन रहा है? ट्विस्टेड बोट। क्या हो गई? ट्विस्टिंग हो गई, क्लियर। अभी क्या था अपना? अभी देखो फिर से, अभी ये क्या है? अभी ये पूरा कहाँ गया? सेम प्लेन में। ये क्या है? हाफ चेयर। और जब हमने उठाया तो ये गया नीचे और वो गया ऊपर, तो ये क्या बना? ट्विस्टेड बोट, क्लियर, क्लियर। और जब उठा देंगे ऊपर तो अब देखो ये नीचे वाले, ये नीचे वाले चारों आ गए सेम प्लेन में, आ गए नीचे वाले चारों आ गए सेम प्लेन में बेटा, चारों येल्लो वाला सेम प्लेन में आ गया और ये दोनों कॉर्नर उठ गया ऊपर। झंडा जहाँ लगाते हैं बोट पे, कभी समुंदर की सैर की होगे तो यहाँ झंडा लगाते हैं बोट वाला, आगे चल के इसी को बोलेंगे फ्लैग पोल, बोलेंगे बोलेंगे, अभी नहीं बोल रहे, क्लियर। तो मैं दिख रहा साफ, ये दोनों काला बिल्कुल दिख रहा पैरेलल, और यहाँ यहाँ ये चारों आगे सेम प्लेन में, इसी को क्या बोल दिया? इसी को क्या बोल दिया? बोट। यही तो है अपना बोट। तो तुम कहाँ? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ पहुँचे हो। अब देखना आराम से, अभी तो हमने इसको नीचे से उठा करके ऊपर ला दिया, ला दिया ना, नीचे से उठा करके ऊपर ला दिया। अब अगली बारी किसकी है? अब यहाँ से राउंड किसका स्टार्ट हुआ? इसके नीचे जाने की बारी आई, तो अब जाएगा ये नीचे। जब ये नीचे जाएगा, आराम से देख, आराम से देख, ये वाला तो ऐसे ही है राइट साइड वाला पार्ट पोर्शन। अब देख ये वाला जब नीचे जाएगा तो अभी बनेगा फ्लैट। तो पहले क्या बना? देखो आराम से, अभी अभी तो ऐसा है, तभी ये क्या है? बोट है। अभी क्या है? परफेक्ट बोट है। अब देखो आराम से, मैं इसको जब नीचे लाऊंगा, इसको जब नीचे लाऊंगा तब क्या हो रहा है वो देखना। जब इसको नीचे लाए तब क्या बना? ये तो बन रहा है ट्विस्टेड बोट, बन रहा है ट्विस्टेड बोट, क्लियर। ट्विस्टेड बोट बन रहा है ऐसा, देख बन रहा है ट्विस्टेड बोट ऐसा वाला। क्या हो गया? ये दोनों कॉर्नर कहाँ गए? एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहा, एक दूसरे का पैरेलल नहीं रहा, ठीक। तो अभी कहाँ था? बोट था, और अब क्या हुआ? ट्विस्टेड बोट हुआ। और अब जो और ये नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तब क्या बन गया? तब देखना जरा, तब सुकून से देखना क्या हो रहा है। हाँ आराम से देख, अब ये क्या हो गया? जब ये नीचे आया तो ये चारों कहाँ आ गए? सेम प्लेन में। ये चारों पांचों कहाँ आ गए? सेम प्लेन में। बोलो परफेक्शन के साथ दिख रहा है, ये पांचों सेम प्लेन में दिख रहा है गुल्ला, बन गया। तो अब देख इस हाफ चेयर का मुंह उधर के साइड खुल गया, ये तो पहुंचे तुम उस ट्विस्टेड बोर्ड के बाद, यहां से पहुंचे तुम, ये तो खुल गया उधर, अभी वाला खुला था इधर, ठीक। अब ये और नीचे जाएगा, जब ये और नीचे जाएगा तो ऐसा कुछ बन गया, बन गया अगला चेयर, समझ में आ रहा है?
क्या अगला चेयर बनता हुआ दिख रहा है? बोलो, ये तो चेयर बन गया है ना। तो हम स्टार्ट कहां से लिए थे? ये ऊपर था, वो नीचे था, क्लियर। अब उसी का देख आराम से, अब एक ही बार में देख। अभी क्या किए थे? ये था नीचे और ये था ऊपर, ये तो चेयर था, क्लियर बेटा। इसको ले जा रहे कहां? ऊपर। उसको ले कहां? नीचे। इस बीच में बहुत बहुत छोटे छोटे से फ्लिपिंग से क्या बना? अलग अलग स्ट्रक्चर। अब हमें उस पर तो फोकस करना ही नहीं, हमने एक एक दिखा दिया आपको। अब देखो सीधा क्या, इसको ले गए ऊपर, इसको ले गए नीचे, क्लियर। इसको ले गए ऊपर, इसको ले गए नीचे, दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग, दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। ये तो बन रहा है चेयर, एक चेयर अगला चेयर, ये तो बन रहा है। और इसको ले गए ऊपर, फिर इसको ले गए नीचे, अगला चेयर, ये तो बन रहा है चेयर। एक चेयर से दूसरे चेयर में जा रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लिपिंग, क्लियर। ठीक है, रुक दे। हाँ भाई, तो क्या समझ में आया कि साहब एक चेयर से दूसरे चेयर में हम लोग जाएंगे वाया दीज डिफरेंट फॉर्म्स, क्लियर, कोई दिक्कत? इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? अपना चेयर। वाई चेयर? बिकॉज दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, क्लियर है। चेयर ही अपना क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, क्लियर। सबसे ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म कौन सा है? तो बोलेंगे हम लोग हाफ चेयर होता है। कौन सा होता है अनस्टेबल? हाफ चेयर, क्लियर। चलो अब जरा इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हम लोग बना ही लेते हैं, जरूरत तो नहीं है बट बना लेते हैं, कभी कभी शायद पूछ दे, आज तक पूछा तो नहीं है बट देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इसका कैसा होता है। इनफैक्ट तो वो आप सीधा सीधा याद रखना कि ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी हमें चेयर के बारे में पूरा डिस्कशन करना, उसको उसका पूरा एक्सप्लेन करना एक एक बात, क्या एक्सियल बॉन्ड क्या है, इक्विटोरियल बॉन्ड क्या है, ये सारी चीज़ें। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट में हम लोग क्या बोलते हैं? एक होता है क्या अपना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस, है ना, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस, और ये है अपना फ्लिपिंग। क्या बोल रहे हैं? ये अपना क्या? फ्लिपिंग। वहां तो पहले लिखते थे थीटा रोटेशन, अब बोल रहे क्या? फ्लिपिंग, ठीक। और हम लोग शुरू करते हैं, अलग 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 वैल्यूज होती हैं, अलग अलग वैल्यूज होती हैं एनर्जी लेवल की। मैं सीधा सीधा बना दे रहा हूं क्या, सबसे सबसे कम जो बात होती है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो हमने चेयर से स्टार्ट किया, सो चेयर इज मोस्ट स्टेबल, तो यहां से प्लॉट कुछ ऐसा बनता है, इसके बाद ऐसा, देन वी हैव लाइक दिस, और ये क्लियर है ऐसा। तो क्या बोलोगे? ये क्या था अपना, एक मिनट, ये क्या था अपना चेयर, है ना, ये क्या था चेयर, ऐसा वाला, ये से तो शुरू किए थे, कोई बना लो क्या फर्क पड़ता, ऐसा चेयर, ठीक। अगला वाला क्या था? यहां से उठाने स्टार्ट किए तो बना हाफ चेयर, ये तो था हाफ चेयर, ठीक। उसके बाद आया क्या? उसके बाद क्या आया? ट्विस्टेड बोट। उसके बाद क्या आया? ट्विस्टेड बोट, क्लियर। तो ये था अपना ट्विस्टेड बोट, ऐसा वाला, है ना, एक ट्विस्टेड बोट, ठीक। उसके बाद क्या आया? बोट, ये क्या आया? बोट। फिर इसके बाद क्या आता है? फिर आता ट्विस्टेड बोट, है ना। तो अब इधर से ऐसे, ये ट्विस्टेड बोट, क्लियर। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? हाफ चेयर, अगला हाफ चेयर। तो अब अगला हाफ चेयर किधर से? इधर से ऐसे, ऐसा। और अगला ये वाला हाफ चेयर, तो अभी तो ऐसे बनाए थे, अब कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, अगला चेयर, एक चेयर यहां, दूसरा चेयर यहां, चेयर से चेयर तक का सफर, क्लियर। तो दो फॉर्म इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, एक चेयर, दूसरा क्या? बोट, क्लियर। तो बोट में बात की जाती है कि बोट इज मोर एनर्जेटिक देन चेयर, बोट इज मोर एनर्जेटिक देन चेयर। क्यों ऐसा? तो जब हम इसका इसका न्यूमैन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इक्लिप्स्ड आता है। इन न्यूमैन इट एग्जिस्ट इन इक्लिप्स्ड फॉर्म, किस फॉर्म में? इक्लिप्स्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इक्लिप्स्ड फॉर्म में। आपको ऐसे भी दिख रहा होगा क्या कि साहब ये वाला पीछे वाले को ये वाला आगे वाला ढक रहा होगा, इधर से अगर हम देखना स्टार्ट करें, और ये वाला पीछे वाले को ये वाला आगे वाला ढक रहा है अगर हम इधर से देखना स्टार्ट करें, और ये वाला पीछे वाले को ये वाला आगे वाला ढकना स्टार्ट करें अगर हम इधर से देखना चाहें, जहां से देखो, तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इक्लिप्स्ड में, क्लियर। बट चेयर वाला
चेयर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? स्टैगर्ड फॉर्म में. किस फॉर्म में? स्टैगर्ड फॉर्म में. क्लियर है? इस वजह से क्या बोलते हैं, चेयर इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू बोट. क्लियर? तो सीधा सीधा ऐसा याद रखना आपको. क्लियर? मान लो इसी के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर, तब क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी? हाफ चेयर की. हाफ चेयर की. उसके बाद किसकी? बोलो, बोट की, है ना? Yes, उसके बाद किसकी? तब क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड. उसके बाद किसकी? ट्विस्टेड. बोट की. और उसके बाद किसकी? चेयर की. ये तो चार फॉर्म है, चार ही तो फॉर्म है. अब ट्विस्टेड बोट दो टाइप का, हाफ चेयर भी दो टाइप का. क्लियर है? ये तो चार है, कोई दिक्कत? ठीक. तो ये अपना एनर्जी का ऑर्डर. तो स्टेबिलिटी पूछ दी जाए तब क्या बोलेंगे आप? व्हाट विल बी स्टेबिलिटी ऑर्डर? व्हाट विल बी से उल्टा इसका, सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर, उसके बाद ये ट्विस्टेड बोट है ना, ट्विस्टेड बोट. ठीक. उसके बाद ट्विस्टेड बोट, उसके बाद कौन सा? बोट. ठीक. उसके बाद कौन सा? हाफ चेयर. क्लियर? ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर. तो आप चाहो तो इसको याद रख लेना, इस डायग्राम को याद रख लेना. क्लियर? पूछा अभी तक नहीं गया, बट पूछा जा सकता है कभी भी, खास के आईआईटी की बात कर रहा हूं मैं, नीट में तो कभी भी नहीं. नीट में तो भूल के ये सब बातें नहीं हो सकती, है ना? इतना लेवल गिरा दिया गया है नीट का कि अब आप ये सब सोचो भी मत. वो सीधा सीधा चेयर पूछ ले, चेयर देखे हो, इतना ही बोलते नीट के लिए, है कि नहीं? हाँ, आईआईटी में ये सारी बातें जरूर हो सकती हैं, बिल्कुल. आईआईटी का स्टैंडर्ड डिजर्व करता. मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ नीट के बच्चों की, मैं उन लोगों की बेवकूफ़ी की बेइज्जत कर रहा हूँ जो नीट का पेपर इतना बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल से बना रहे हैं. है, कोई नहीं. चलिए साहब, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला? एक चेयर से क्या बनाए? दूसरा चेयर. तो अपना मुद्दा अब क्या है? अब क्या है? चेयर. अब चेयर पे फोकस करो जरा. तो आपने क्या बोला, एक चेयर अपना कैसा था? हम लोगों ने बोला ऐसा 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 बनाए. अगले में हम पहुंचे, यही ना? और जब इसको फ्लिपिंग किया तो आफ्टर फ्लिपिंग क्या हुआ? आफ्टर फ्लिपिंग आपका चेयर बना कुछ ऐसा, है ना? कुछ ऐसा चेयर बना. ठीक. तो अब अगर हम यहां बात करें कि ठीक, ये तो चेयर था, बॉन्ड कहां गए? बॉन्ड कौन से बॉन्ड? तो आपको ये तो कार्बन कार्बन सिर्फ बॉन्ड दिखाया ना हमने. अब कार्बन का हाइड्रोजन से भी तो बॉन्ड था साइक्लोहेक्सेन में, हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन भी तो था. क्लियर? तो अब अगर हम उसकी बात करें तो देखना, ध्यान से देखना, अब हम क्या बात कर रहे हैं. हर कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन. हर कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन. ठीक. आराम से देखो, मैं इस दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं उसके लिए. चलो लाल और हरा इस्तेमाल करते हैं. मान लो, अब देखना आराम से, यहां पे कार्बन है. क्लियर? तो कार्बन का कार्बन से एक बॉन्ड, कार्बन का कार्बन से दूसरा बॉन्ड, डन. दो हाइड्रोजन ही तो बचे, दो हाइड्रोजन ही तो बचे. अब समझना, हर कार्बन पे एक बॉन्ड होता एक्सियल. क्या होता? एक्सियल. क्लियर? और दूसरा क्या होगा? इक्विटोरियल. एक्सियल किसको बोलेंगे? सीधा बोला, सीधा सीधा बॉन्ड एकदम ऊपर, जो चेयर का फ्रेम है ना, उससे सीधा ऊपर, उसको क्या बोलते हम लोग? एक्सियल. ठीक है. चलिए अब ध्यान से, चेयर मतलब एक्सियल बनाने का तरीका समझना. क्या बोल रहे हैं? हर जगह में क्या बनाना है? टेट्राहेड्रा. क्या बनाना है? टेट्राहेड्रा. दो बॉन्ड नीचे आ चुका है, दो तो झुक गया ना, दो नीचे झुक गया. क्लियर? तो अब क्या बोल रहे हैं? तीसरे वाले के लिए ए बनाया ऊपर. क्लियर? और इक्विटोरियल यहीं दिखा देंगे, तो टेट्राहेड्रा नीचे बना ऐसा. क्लियर? तो क्या बोल रहे हैं? अब ध्यान से, अगर आपको शॉर्टकट याद रखना तो क्या बोलो आप? एपेक्स को तो समझ रहे ना, हर कॉर्नर को तो समझ रहे. जो कॉर्नर ऊपर है, जो कॉर्नर, सुमो इतना परेशान करोगे तो नहीं बना पाऊंगा यार. मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं, बाहर रहा करो प्लीज, क्लास में डिस्टर्ब ना किया करो. क्या समझाऊं मैं, किधर लगाऊं दिमाग? हाँ, जो कॉर्नर ऊपर है उसका एक्सियल ऊपर. क्लियर? और जो कॉर्नर नीचे है उसका एक्सियल नीचे. क्लियर है? तो ये कॉर्नर ऊपर है तो इसका एक्सियल ऊपर. ठीक. ये कॉर्नर ऊपर है, इसका एक्सियल ऊपर, है ना? थोड़ा सा मैं इसको
ठीक करता हूं ताकि इन दोनों में डिफरेंस आए, जरा सा बढ़िया सा और फोटो बने। तो इसके लिए हम जरा इसको दूर ले जा रहे हैं ऐसा, ये। तो अब क्या बोल रहे हैं, ये वाला कॉर्नर ऊपर है तो फिर इसका एक्सियल बॉन्ड कहां? ऊपर। डन, ये तो ही बात। ओके, अब क्या बात करो, ये वाला कॉर्नर कहां है? नीचे। तो इसका एक्सियल नीचे, ये वाला कॉर्नर नीचे तो इसका एक्सियल नीचे, ये कॉर्नर नीचे तो इसका एक्सियल नीचे, यही ना? क्लियर है? ये बॉन्ड्स कौन से दिखाए मैंने, कौन से दिखाए मैंने? एक्सियल। डन, कोई दिक्कत? ओके, अब जरा देखो इक्विटोरियल बॉन्ड। तब इक्विटोरियल के लिए क्या बोल रहे? अब इक्विटोरियल जब भी होगा वो स्लैंटिंग होगा। क्या होगा? स्लैंटिंग। डन, क्लियर? क्लियर है? जहां पे कॉर्नर ऊपर है वहां पे इक्विटोरियल नीचे है। क्या होगा? इक्विटोरियल नीचे, जहां कॉर्नर नीचे है वहां का इक्विटोरियल ऊपर। क्लियर? तो ये ऊपर है तो इसका इक्विटोरियल नीचे, ये नीचे है तो इसका इक्विटोरियल ऊपर। क्लियर? ये ऊपर है तो इसका इक्विटोरियल नीचे, और ये नीचे है तो इसका इक्विटोरियल ऊपर। क्लियर? ये ऊपर है इसका इक्विटोरियल नीचे, और ये नीचे है इसका इक्विटोरियल ऊपर। डन। ये लाल वाले बॉन्ड क्या दिखा रहे हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड को आ रहा है वहां पे फोटो आ रहा है। ठीक, क्लियर? ठीक, तो सारे ग्रीन बॉन्ड कौन से? एक्सियल। क्लियर? और सारे लाल बॉन्ड कौन से? इक्विटोरियल। डन। एक्सियल बनाने का तरीका क्या है? जो कॉर्नर ऊपर है उससे एक्सियल ऊपर बनाओ, जो कॉर्नर नीचे है उससे एक्सियल नीचे बनाओ। बन गया? क्लियर? अब जो फ्लिप किए तुम, अब जो तुम फ्लिप किए, ठीक, तो आराम से, या मैं क्या क्या कह रहा हूं फिर से, अब नंबरिंग कर लेते हैं इसकी, है ना? तो नंबरिंग करेंगे तो ये तो वन है, ये टू है, और ये थ्री है, और ये फोर है, और ये फाइव है, और ये सिक्स है, ये ना? यहां भी बात कर लेते हैं। तो वन कहां है? ये है ना? और टू कहां है? ये, और थ्री ये, और फोर ये वाला, फाइव यहां, और सिक्स यहां। अब आराम से देखो, जितने कॉर्नर ऊपर थे वो सारे कॉर्नर नीचे आ गए क्या? ऊपर कौन कौन था? वन था, थ्री था, फाइव था। देख, वन थ्री फाइव नीचे आया कि नहीं आया? आ गया। नीचे कौन था? टू फोर सिक्स। देखो टू फोर सिक्स नीचे था, ऊपर गया कि नहीं गया? जस्ट उलट जाएगा। यस आर नो? क्लियर? समझ मारी बात? ओके, अब ध्यान से, अब ध्यान से, अब एक्सियल और इक्विटोरियल का क्या होना वो समझो, वो समझो आराम से। देख, जब हम इसको नीचे ला रहे बेटा, क्या ला रहे? नीचे, आराम से नीचे। क्लियर? तो तुम्हारा लाल और हरा बॉन्ड ऐसा ही तो है। क्या बोलोगे? हरा वाला कहां है? ऊपर। ये तो एक्सियल है, ठीक, मेरा हाथ देख, ये तो एक्सियल है, और ये लाल बॉन्ड, ये तो इक्विटोरियल है। और तुमने क्या किया? इसी कॉर्नर को ही तो नीचे ला रहे हो, तो इसी के अबाउट तो कॉर्नर घूमेगा। आराम से हाथ का हाथ कर मूवमेंट देखना, जब ये कॉर्नर नीचे घुमा, तो नीचे घुमा तो क्या बना? ये तो आया नीचे कॉर्नर, आ गया नीचे कॉर्नर, ये कहां था? ऊपर, और ये अभी कहां आया? नीचे। अब आराम से, आराम से, जो ग्रीन वाला एक्सियल था, एक्सियल था, अब वो क्या है? अरे एक्सियल था, अब वो क्या है? एक्सियल तो ये वाला है, एक्सियल तो ये वाला है। ऊपर लाल वाला क्या था? इक्विटोरियल है कि नहीं? लाल वाला क्या था? इक्विटोरियल। अब लाल वाला क्या है? एक्सियल। और ग्रीन वाला ऊपर क्या था? एक्सियल। वो ग्रीन वाला अब क्या है? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे एक्सियल अब इक्विटोरियल बन जाएंगे। क्लियर? तो वन पोजीशन पे, पोजीशन वही रखना है, वन पोजीशन, ऊपर वाला आएगा नीचे, तो ये एक्सियल वाला अब कहां बनेगा? इक्विटोरियल। फिर वही बात, वही है, नीचे है तो इक्विटोरियल ऊपर, है कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक, अब बोलो दो वाले का इक्विटोरियल कहां? तो बोलेंगे नीचे। तीन वाले का इक्विटोरियल कहां? तो बोलेंगे ऊपर। क्यों? ये नीचे कॉर्नर, नॉर कॉर्नर नीचे तो इक्विटोरियल ऊपर। चार वाले का? तो बोलेंगे नीचे। पांच वाले नीचे? तो बोलेंगे ऊपर, है कि नहीं? इधर बना दो, चाहो तो ऐसा बना दो, बन गया? ठीक, और छह वाला ऊपर है तो इसका इक्विटोरियल नीचे। डन, कोई तकलीफ किसी को? बोला जाए, एनी डाउट? क्लियर? तो सारे एक्सियल क्या बन चुके हैं? इक्विटोरियल बन चुके हैं। तो सेम कहानी होगी, सारे इक्विटोरियल अब क्या बन जाएंगे? एक्सियल बन जाएंगे। सारे इक्विटोरियल क्या बन जाएंगे?
एक्सियल बन जाएंगे आराम से। वन वाला एक्सियल कहां पहुंच जाएगा, यहां एक्सियल, टू पे एक्सियल ऊपर, थ्री पे एक्सियल नीचे, फोर पे एक्सियल ऊपर, फाइव पे एक्सियल नीचे, सिक्स पे एक्सियल ऊपर। बोलो बेटा ये सर नो, ये तो कहानी बनी, यही तो कहानी बनी, क्लियर है, ये तो कहानी बनी। ठीक, तो एक बात तुम्हें क्या समझ में आए, एक बात हमें यहां से क्या समझ में आए कि फ्लिपिंग करने से, फ्लिपिंग करने से, फ्लिपिंग करने से एक्सियल क्या बन गया, इक्वेटोरियल। तो ये बात तो साफ साफ लिख लो कि अगर एक्सियल है और फ्लिपिंग कर दिया, समझना ये सब बहुत बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, आप बोर मत हो यहां पे, समझना ये सब, इंटरेस्ट लो और आगे चल करके इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो मैंने बोला फ्लिपिंग करने पे एक्सियल क्या बन गया, इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल क्या बन गया, एक्सियल। इतनी बात याद रखना कि जो ग्रुप एक्सियल पोजिशन पे है वो कहां पहुंच जाएंगे, इसको वर्ड्स में भी लिखो, आफ्टर फ्लिपिंग, आफ्टर फ्लिपिंग ग्रुप्स ऑन एक्सियल विल बी प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजिशन नाउ। समझ मारी बात, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, क्लियर है। जो एक्सियल पे था ग्रुप, वो अब कहां है बेटा, इक्वेटोरियल पे है, और जो इक्वेटोरियल पे था वो एक्सियल पे। मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, आगे चल करके दिखाएंगे तो मैं एक रिपल्शन आएगा जिसका नाम बोलेंगे 1-3 डायएक्सियल रिपल्शन। क्या बोलेंगे, 1.3 डायएक्सियल रिपल्शन, जिसकी वजह से सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है, रिपल्शन से सिस्टम में अनस्टेबिलिटी आती है, और हम हमेशा क्या करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। और अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेंगे, क्लियर है, तो बता क्या ये वाला सेम रह जाएगा दोनों का, मतलब क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर मान लो दोनों में से बराबर सब स्टेबल है, तो क्या बोलोगे, दोनों का अमाउंट मोल फ्रैक्शन बराबर होगा, और अगर कोई ज्यादा स्टेबल हो गया तो उसकी तरफ झुक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से इक्विलिब्रियम से कोलैबोरेट कर देते हैं, इसी चीज को केमिकल इक्विलिब्रियम से जोड़ देते हैं, और वहां केसी की बात करने लग जाते हैं, क्लियर है। यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहुंच जाएगी फिजिकल में, देखेंगे अभी क्लब करेंगे, पहले इतना समझो, क्लियर। अब देखो, अब आओ चेयर पे, कोई भी चेयर उठा ले, मान लो ये वाला चेयर है, देखना ध्यान से, ये वाला तो काम हो गया, ठीक है। अब देखना कि मैं बोला कि ये वाला चेयर है लेफ्ट साइड वाला, अब आराम से, जो एक्सियल है ना, एक्सियल, उस एक्सियल को जरा फोकस करो, सब तो हाइड्रोजन है। ओके, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तीनों क्या है, एक्सियल हाइड्रोजन है ना। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, तीनों क्या है, तो बोलोगे एक्सियल है कि नहीं, कोई दिक्कत, क्लियर। अब समझना, ये तीनों हाइड्रोजन आपस में इक्विडिस्टेंट हैं, क्या है, जो डिस्टेंस यहां से यहां का है वही डिस्टेंस बेटा यहां से यहां का है, और वही डिस्टेंस यहां का यहां है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको नो डाउट हमारे फिगर में दिख नहीं रहा होगा कि सर ये वाला डिस्टेंस तो छोटा है, और आप कह रहे हो सब बराबर, वो हमारा फोटो गलत हो सकता है, एक्चुअल में क्या होता बराबर, क्लियर। ठीक, सेम बात मैं कह रहा हूं, क्या यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस, ये तीनों बराबर है। अगर इसका डिस्टेंस L है तो इसका भी डिस्टेंस L है, तो इसका भी डिस्टेंस L है बेटा, क्लियर। और इसको भी मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। सो ऑल आर इक्विडिस्टेंट, और यही हाइड्रोजन एटम्स, ये हाइड्रोजन एटम पास पास होने की वजह से क्या करने लगते हैं, रिपल्शन क्रिएट करता है। ये तीनों मिलकर के क्या करने लगता है, ये कर देता है रिपल्शन। इन हाइड्रोजन एटम्स में क्या होता है, इनमें क्या हो जाता है रिपल्शन, क्लियर। इसी रिपल्शन का नाम देते हैं 1.3 डाई
एक्सियल रिपल्शन, क्या नाम देते हैं, 1.3 डायएक्सियल रिपल्शन। तो डायएक्सियल तो समझ में आया कि दो चीज एक्सिस पे है, क्लियर। ये 1.3 का क्या चक्कर है, आराम से समझना, आराम से। किसी को भी तुम 1 मान लो, इसके कोरस्पॉन्डिंग अभी तो 1, 2, 3, 4 नंबर दिया ना, क्लियर। मैंने बोला इसको 1 माना, क्या माना, 1। अगला वाला ग्रुप ध्यान से देख कहां से आ रहा है, ये से तो आ रहा है, ठीक। तुम घूम के जाओ, अगर ये 1 है तो ये 2, ये 3, बोलिए वाला ग्रुप कहां है, 3 पे, मतलब डिस्टेंस तो अल्टरनेट ही है। यहां से इसको, इसको देख, ये वाला कहां से आ रहा है, यहां से, कब लोगे 1, 2, 3, नो डाउट आपने नंबरिंग समझने के लिए वो किया था, लेकिन है तो अल्टरनेट पोजीशन पे। अगर ये 1 है तो ये 3 है, 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 क्लियर, क्लियर है कि नहीं, अल्टरनेट पे। सेम बात, अगर मैंने बोला ये 1 है बेटा, ये वाला, इसका वाला 1 है, तो यही तो है दूसरा, तो देख 1, 2, 3 पे है कि नहीं, है ना, अब तो नंबरिंग भी मैच कर गया। अगला, अगर मैं बोलूं ये वाला, ये दोनों, तो क्या बोलोगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्लियर। ये दोनों की बात कर दें, 1, 2, 3, क्लियर। तो ये एक्सियल वाले तुम्हें क्या मिल रहे हैं, अब एक्सियल का दो बनाना तुम्हारा, एक बना ऊपर का प्लेन और एक बना नीचे का प्लेन। कुर्सी है तो कुर्सी में एक ऊपर होंगे और नीचे भी होंगे, अरे बोलो ये सर नो, क्लियर है। तब क्या बात कर रहे हैं, ऊपर क्या एक और नीचे क्या एक, तो ये क्या करता है, एक्सियल, डायएक्सियल पे क्या होता है, रिपल्शन। डायएक्सियल पे क्या होता है, रिपल्शन, समझ में आई बात। 1, 3, 1, 3 वाले क्या होता है, डायएक्सियल रिपल्शन शो करते हैं, क्लियर। अब अगर ये, चलो मैं इसको पहले दिखा लेता हूं मॉडल से, उसके बाद बात करता हूं, फिर हम बात करते हैं उसके बाद। चलो ये दूसरा मॉडल अपना तैयार है, अब देखना बेटा ध्यान से। चलो इधर देखो, ये मैंने ये बोला आपसे, ये चेयर है, पहले तो ये चेयर है, ये चेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन का चेयर। ये वाला कॉर्नर ऐसा ही बना दे, अगर हम अगर ऐसा बना दें तो कौन सा वाला कॉर्नर, ये राइट वाला कॉर्नर ऊपर, यही ना, ये तो है, और लेफ्ट वाला नीचे। अब मैंने बोला यही तो है वो, 1, 2, 3, यस सर नो, यही बोल, 1, 2, 3, यही ना, क्लियर, 1, 2, 3। और इसी पे तो मैंने लगाया 3 हाइड्रोजन, ये तो 3 हाइड्रोजन लगाया। अब बोल क्या ये तुम्हें तीनों का डिस्टेंस बराबर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, अब तो ये परफेक्ट चेयर है। तो अगर अपना चेयर परफेक्ट हो गया बेटा, तो बोलो तीनों का डिस्टेंस बराबर तुम्हें दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ऐसे देख, बिल्कुल ऐसे देख, दोनों का, तीनों का डिस्टेंस तुम्हें बराबर दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये वाला गोला, ये वाला गोला, ये वाला गोला, क्लियर दिख रहा पक्का, बोलो एनी डाउट, एकदम साफ साफ दिख रहा है, तीनों का डिस्टेंस बराबर दिख रहा है, क्लियर। इसी को बोल रहे हैं ये वाला एक्सिस, अगर ये 1 है, ध्यान से देख, अगर ये 1 है कहां पे, ये 1 है तो ये 2, 3, क्लियर। अगर ये 1 है तो 1, 2, 3, अगर ये 1 है तो 1, 2, 3, अगर ये 1 है तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, जैसा बोल, क्लियर। ऐसा ही सेम, अब आराम से देखो, आराम से देखो, इस पूरे चेयर में तुम क्या बोलोगे कि ये वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों तो ऊपर वाले प्लेन में है ना, ऊपर है ना, क्लियर। और नीचे में कौन है, ये तीनों गोला, 1, 2, 3, क्लियर। तो अगर हम इससे भी लगा दें 3, क्या लगा दें 3, तो क्या बोलोगे तुम, नीचे भी मिलेगा पक्का। इसको पकड़ कर रहे जरा सा, इसको जरा पकड़ कर रहे ऐसे, अभी लगा दे रहे इधर, इधर आ, इसको 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 और इसको पकड़ना, एक हाथ से इसको, एक हाथ से इसको, ये वाले को बस ऐसे पकड़ना आपको, डन। चलो अब लाते हैं, कौन सा था ये, तो तीनों ऊपर वाले थे, ये ऊपर बहुत, हाँ ये तीनों नीचे ऐसे, हाँ पकड़ पकड़ पड़े इसको, एक तो इसके नीचे ये वाला हाइड्रोजन, एक इसके नीचे ये वाला हाइड्रोजन, और नीचे कौन सा, ये वाला, एक इसके नीचे ये वाला, बस छोड़ दो। तो अभी अपना अपना कौन कौन सा था प्यारे, क्या बोल रहे थे हम लोग, ये
ऐसा ध्यान से देख, अभी अपने अपने क्या बोल रहे थे, ये वाला नीचे था और ये वाला नीचे, ये वाला नीचे, अभी हम लोग ऊपर वाला तो देख रहे थे, कौन ऊपर वाला तो देख रहे थे, कौन एक दो तीन, ये तीनों बिल्कुल परफेक्टली कहाँ था, ऊपर। तो देखो बिल्कुल दिल बिल्कुल देखो इन तीनों को, इन तीनों को देखो क्या है, ये इक्विडिस्टेंस है ना। सेम कहानी इन तीनों के दिख रहे तुम्हें, नीचे नीचे तीनों जो लटक रहा है, ये तीनों क्या है, क्या बोलोगे, इक्वी डिस्टेंट, ये तीनों क्या है, इक्वी डिस्टेंट। तो एक डायक्सियल रिपल्शन ऊपर और एक डायक्सियल रिपल्शन नीचे, कोई दिक्कत पक्का। अब यहीं पे हम जरा दूसरी बात भी कर सकते हैं, किसकी, इक्विटोरियल के, किसकी, इक्विटोरियल के, आ जाए जरा पास में, इसका इक्विटोरियल भी बनाई दे, इसको इसको पकड़ लें और इसको पकड़ लें, अगर हम बनाने की कोशिश करें इक्विटोरियल बॉन्ड है ना, तो अगर अगर बात करें कौन सा है नीचे ऊपर वाला, कौन सा है सिस्टम, कौन सा था ऊपर नीचे, हाँ ये दोनों है ना, एक कॉर्नर ये और नीचे वाला ये, ठीक। तो अब ये नीचे था, एक्सियल था, तो इक्विटोरियल कहाँ आएगा, तो बोलेंगे ऊपर की तरफ है ना, अपना इक्विटोरियल क्या हो गया, ऊपर की तरफ है ना। इसका इसका क्या बोल रहे, ऊपर की तरफ गया एक्सियल, तो इसका इक्विटोरियल कहां जाएगा बोलो, ये देख ध्यान से, देख ध्यान से, ये वाला दोनों बॉन्ड इस प्लेन में है ना बेटा, तो अगला कहां निकलेगा, इधर ही तो निकलेगा, टेट्राहेड्रा ही तो दिखना है, ये तो टेट्राहेड्रा, आराम से सब कुछ भुला के मन में सिर्फ ये सोचो, एक दो तीन चार, क्या ये टेट्राहेड्रा तुम्हें दिख रहा है, साफ टेट्राहेड्रा दिख रहा है तुम्हें, टेट्राहेड्रा तीन नीचे और एक ऊपर, क्लियर। अब बोलो ये कहां है, नीचे, ठीक। तो ये तो एक्सियल है, ठीक, ये वाला क्या एक्सियल और ये क्या इक्विटोरियल, इसका इक्विटोरियल कहां, ऊपर, और इसका इक्विटोरियल कहां, नीचे। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिपल्शन है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिपल्शन है, ठीक। अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसका दो बॉन्ड कहां है, इसका दो बॉन्ड कहां है, इस प्लेन में, इस प्लेन में, तो इसका एक्सियल यहां, इसका इक्विटोरियल कहां होगा, तो बोलेंगे इधर है ना, ये नीचे है, इक्विटोरियल ऊपर। अब बोल क्या इसके इक्विटोरियल या इसके इक्विटोरियल में कोई कोई रिपल्शन है, नहीं। बोलो बेटा है क्या, नहीं। इसका इक्विटोरियल नीचे, इसका इक्विटोरियल कहां था, ऊपर। बोलो बोलो बोलो, ये नीचे था ऊपर। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिपल्शन है, आराम से फोकस करना, आराम से फोकस करना, थोड़ा हौच पौच ना हो जाए। इसका इक्विटोरियल नीचे, इसका इक्विटोरियल ऊपर, क्लियर। क्या इसके बीच में कोई रिपल्शन है, बोलेंगे ना। इसका इक्विटोरियल इधर, इसका इक्विटोरियल उधर, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिपल्शन है, बोलेंगे नहीं। तो इक्विटोरियल बॉन्ड में कोई रिपल्शन नहीं है, क्लियर। इक्विटोरियल बॉन्ड में कोई रिपल्शन नहीं है, सिर्फ रिपल्शन कहां है अपना, थैंक यू, सिर्फ रिपल्शन कहां है अपना, बोलो रिपल्शन कहां है अपना, एक्सियल में। रिपल्शन कहां है, एक्सियल में, क्लियर। जैसे ऊपर वाले तीनों डायएक्सियल, वैसे ही नीचे वाले तीनों क्या थे, डायएक्सियल, ऐसा, क्लियर। इन तीनों का डायएक्सियल रिपल्शन, क्या एक्सियल, एक्सियल में तो रिपल्शन है, इसमें इसमें यही हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन को रिपेल कर रहा है, दोनों पास पास आ गए, ये तीनों पास पास आ गए एक ही प्लेन में, इन्हीं के बीच में रिपल्शन हो रहा है। अब मुद्दा हाइड्रोजन का नहीं है, मुद्दा है कि इस पे अगर हम बल्की ग्रुप लगा दें, सोच के देख, अब अगर हम इसी पे लगा दें, इस हाइड्रोजन को हम कर दें चेंज, कैसे, कि अब अपना इस हाइड्रोजन पे क्या लगा दिया, इसको बना दिया मिथाइल, क्या बना दिया मिथाइल, ये बन गया मिथाइल, ऐसा ऐसा, और अगला लगा दिया एक और ग्रुप, यह हाइड्रोजन, अब सोच के देखो, अब तुम्हारा ये ग्रुप क्या है, क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर बहुत बल्की ग्रुप है, बोलोगे सर नो, ये तो है, अभी थम भी नहीं रहा बेचारा, क्लियर, इतना बल्की, क्लियर। अब सोच के देख, इसका रिपल्शन इस ग्रुप के साथ, सोच एक और मिथाइल यहां क्रिएट कर दें, तो अभी तुम्हें साफ साफ तबाही दिखती हुई नजर आएगी यहीं पर, कि अगर हम तीन तीन मिथाइल यहां लगा दें तो कितना खतरनाक रिपल्शन होगा, ये साफ साफ दिख रहा होगा तुम्हें, ये दोनों टकराने लगेंगे, ऐसे घूम तो रहा है साहब, ये घूमेगा और ये घूमेगा, इसका मिथाइल जब घूमेगा तो क्या होगा, देर विल बी वेरी वेरी हाई रिपल्शन, है कि नहीं, क्लियर है। इसलिए एक्सियल पे कभी भी बल्की ग्रुप
नहीं लगाना है, क्लियर। अब एग्जाम में सवाल तुम्हारे क्या आएगा, ये तो साइंस था बेटा, ये तो साइंस था। अब मुद्दे पे आओ, तुम तो एग्जाम पास करते हो ना, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तुम्हें, तो तुम्हारी बात ही कर लें। तो तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा, बना के देगा एक चेयर जिसमें एक्सियल पे बल्कि है और दूसरा चेयर जिसमें इक्विटोरियल पे बल्कि है, क्लियर है? एक चेयर जिसमें एक्सियल पे बल्कि है, दूसरा चेयर जिसमें इक्विटोरियल पे बल्कि है, क्लियर। अब पूछे कौन ज्यादा स्टेबल है, तो क्या बोलेंगे, रिपल्शन कहां दिखा, एक्सियल पे। रिपल्शन कहां दिखा, एक्सियल पे। क्या इक्विटोरियल पे कोई रिपल्शन था, बोलेंगे नहीं। तो ये बल्कि कर दें और ये बल्कि कर देंगे, बोलेंगे देयर विल बी हाई रिपल्शन, क्लियर। इसलिए कभी भी बल्कि ग्रुप को एक्सियल पोजिशन पे नहीं रखना है। इज इट वेरी वेरी क्लियर, क्लियर, ओके, ठीक, समझ मारी बात। उसी तरीके से अगर हम बोल दें यहां बल्कि ग्रुप रख दे, यहां बल्कि रख दे, यहां बल्कि रख दे, यहां बल्कि रख दे, तीनों में से कहीं रख दे, तो तुम क्या बोलोगे, फिर से क्या बोलोगे, ये तो चेयर है, तो क्या बोलोगे, ये तीनों ऊपर, तो ऊपर वाले में भी अगर रिपल्शन हुआ, सो व्हाट विल यू से, कि सर यहां भी एक रिपल्शन है और रिपल्शन होते ही बल्कि ग्रुप को यहां भी रखना मना है। तो चाहे ऊपर वाला तीनों, चाहे नीचे वाला तीनों, कहीं भी हम लोग रिपल्शन की वजह से एक्सियल पोजिशन पे बल्कि ग्रुप भूल के भी नहीं रखेंगे, क्लियर, ठीक। और अगर रखा है तो देखना उसका इलाज क्या हो जाएगा। ध्यान से सुन, ये तो बोले हम, आराम से इसी को देखो। अब चलो इसको भी मैं फिर से दिखाऊंगा एक बार, पहले वापस आते हैं। तो अभी तक क्या बोला गया, जैसे मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या कह रहा हूं तुमसे, सवाल क्या आएगा तुम्हारा, बोलेगा ऐसा, दीज टू चेयर्स आर गिवन, ऐसा चेयर बोला यहां लगा दिया बेटा एक बार CH3, और अगला चेयर यही है, बोला यहां लगा हुआ CH3 ऐसे, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये तो एक्सियल पे और ये तो इक्विटोरियल पे, बोलोगे सर नो। और अभी क्या बोला है, रिपल्शन कहां है, तो बोलेंगे एक्सियल पोजीशन पे, 1:3 डायएक्सियल रिपल्शन है, इक्विटोरियल पे थोड़ा ही है, क्लियर। तो इस बल्कि ग्रुप का कहां रहना अलाउड है, नो डाउट ये बहुत बल्कि नहीं है, है कि नहीं, टर्शियरी ब्यूटाइल का सोच के देखिए इतना बड़ा सा ग्रुप है कि नहीं, तब क्या बोलेंगे ये बहुत, लेकिन है तो बल्कि, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो बहुत बल्कि है, क्लियर। तो बोलेंगे इसका कहां रहना ज्यादा फेवरेबल है, तो जहां ये रिपल्शन मिनिमाइज करे, कहां रिपल्शन मिनिमम है, तो बोलेंगे इक्विटोरियल पे। तो तुमसे पूछेगा इन दोनों में जरा बताना स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, तुम बोलोगे दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लीस्ट स्टेबल, पहले टाइप का सवाल ऐसा आ जाएगा, क्लियर है। दूसरे टाइप का सवाल देख ध्यान से क्या पूछ जाएगा, अब देखो आराम से, मैंने बोला ये चेयर है, अभी तो तुमने देखा ये चेयर, ऐसा ही चेयर तो मैंने यहां बनाया। अब सोच के देख, जब मैंने फ्लिप कराया बेटा, तो यही वाला ग्रीन वाला बॉन्ड ही तो तुम्हारा यहां पहुंच गया, तो अभी ये क्या था, एक्सियल, और एक्सियल ही क्या बन गया, इक्विटोरियल। तो अगर मैं करा दूं इसको फ्लिप, तो तुम क्या बोलोगे, ऐसा चेयर बनेगा ऐसा चेयर, क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब तुम क्या कहोगे, यही मिथाइल कहां होगा, यहां, और इसका एक्सियल कहां है, नीचे, एक्सियल पे क्या है, हाइड्रोजन, और इक्विटोरियल पे कौन पहुंच जाएगा, मिथाइल, क्लियर। तो फ्लिप करने के बाद क्या हो गया, फ्लिप करने के बाद कहां पहुंच गया, यही बल्कि ग्रुप कहां पहुंच गया, इक्विटोरियल पे, तो ये वाला मोर स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल। अब घुमाएगा क्या, कि अगर ये दोनों की सिचुएशन है, ये ऐसा करके यहां जा सकता है, ये ऐसा करके यहां आ सकता, अब बोलो कौन मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ये वाला है कि नहीं, तो जो मोर स्टेबल है वही तो रहना चाहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट कर जाएगा, राइट या लेफ्ट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो क्या बोल रहे हैं, वो वाला मोर स्टेबल है, तो अपना इक्विलिब्रियम कैसा होगा। तो देख फोटो बना के अगर तुम्हें देगा बेटा, तो बोलेगा बोलो पहला बोला ये इक्विलिब्रियम का, बोलेगा फोटो बना करके, पहला कंडीशन इक्विलिब्रियम ऐसा है बराबर, दूसरा बोला ये वाला इक्विलिब्रियम ऐसा है, और तीसरा बोला ये वाला इक्विलिब्रियम ऐसा है, बोल बेटा तीनों में से कौन सा, तो तुम बोलोगे फॉरवर्ड जाना चाहेगा, तो फॉरवर्ड का रेट कहां दिखाया ज्यादा, दूसरे वाले में, तो आंसर क्या होता ऐसा। इसी को दूसरे तरीके से सवाल कैसे फ्रेम करेगा, ये बोलेगा केसी, क्या बोलेगा, केसी पहला बनाया, केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, दूसरा ऑप्शन केसी इज इक्वल टू 1, और तीसरा ऑप्शन केसी इज लेस देन 1, तीसरा क्या बनाया, केसी इज लेस देन 1, तो तुम क्या बोलोगे, केसी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजिशन पे प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट का रेशियो, तो कौन ज्यादा है इक्विलिब्रियम पे, प्रोडक्ट है ना, तो केसी ज्यादा हुआ कि कम हुआ, तो बोलेंगे ज्यादा है, क्लियर। तो आंसर ये वाला, क्लियर, तो इसी को क्लब करके पूछ देगा वहां से, समझ मारी बात, कोई दिक्कत। तो तुम क्या बोल रहे हो, एक्सियल वाला कहां पहुंच जाएगा, इक्विटोरियल पे, हम लोगों ने करके देखा है,
एक्सियल वाला कहां पहुंच जाता है बोलो, इक्वेटर पे। जल्दी से देखो, जल्दी से, कि यही तो अपना स्ट्रक्चर था, टूट फट गया यार, क्या हो गया? नहीं, ये है चेयर, आराम से, ये तो था चेयर, ये तो था ना अपना चेयर, क्लियर। तो एक्सियल कौन सा था, एक्सियल कौन सा था, ये वाला ना, छोड़ दे छोड़ दे, रहने दे, ये लचर पचर हो गया, अब इसमें बेकार बात करना। खैर, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आई गई होगी, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आई होगी, क्या बेटा, कि साहब जो एक्सियल था अपना वो क्या बन गया है, इक्विटोरियल। एक्सियल वाला क्या बन गया है, इक्विटोरियल, क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब तुम सीधा समझ के क्या बोलोगे, मैंने हर तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक, कि एक्सियल वाला कहां पहुंच जाता है, इक्विटोरियल पे। अब तुम सीधा याद रखो क्या, कि जब भी फ्लिपिंग दिया हो तो एक्सियल क्या बनेगा, इक्विटोरियल, और इक्विटोरियल क्या बनेगा, एक्सियल, क्लियर। और जब भी ऐसे टाइप का सवाल आए तो एक्सियल वाला कहां पहुंच जाएगा, इक्विटोरियल पे, क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, इस मुद्दे पे हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करेंगे अगले लेक्चर में, और डिटेल में बातें करेंगे इस पे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।